Scooter water pump. रामापुर नाम के गांव में निरंजन नाम का एक किसान रहता था। उसे चाहे लाभ मिले या नुकसान, वो खेती करके फसल गांव वालों को ही देता था। इससे बाहर चाहे जितना भी दाम हो, रामापुर में लोगों को सब्जी सबसे कम दाम पर ही मिलती थी। इसके वजह से गांव वाले निरंजन को बड़े इज्जत से देखते थे। एक दिन उस गांव के व्यापारी अमित हरीश के साथ मिलकर निरंजन गांव के प्रेसिडेंट पासवान के पास आया। क्यों भाई व्यापारी, क्या समस्या है? देखो निरंजन यही है ना, बोलो अभी उपाय निकाल लेंगे। अब कहने को क्या है जी, ये निरंजन के वजह से हम इस गांव में जी नहीं पा रहे हैं। इसका फसल अब इस गांव में नहीं बिकना चाहिए। पासवान जी, आज के जमाने में खेती कैसे होता है यह आपको अच्छे से पता है। कभी कभी फसल को लेके जाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं, इसलिए ये फसल कम दाम पर गांव वालों को ही बेचकर उनका भी भला हो ऐसे कर रहा हूँ। वैसे ये मेरी मर्जी है ना, मुझे कम लाभ भी मिले मेरे लिए काफी है। हाँ भाई, निरंजन जो बोल रहा है वो भी सही है ना, किराए के पैसे ही मिलना मुश्किल हो जाता है, तो तुम लोग ही वो फसल को खरीद सकते हो ना। भाई हम जो दाम पर खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। अब इसके पास किलो 10 रुपए में खरीदेंगे और उसे 50 रुपए में बेचेंगे, इसके लिए क्या ये मानेंगे? देखिए भाई, इतना भी धोखा देना सही नहीं है। वैसे आप मेरे आड़े ना आए, मैं अपनी खेती करके अपने फसल को अपने तय किए दाम पर बेचूंगा। आपके मर्जी के हिसाब से आप किसी दाम पर खरीद कर किसी भी दाम पर बेच दे। हाँ क्या, आप इतने महान हैं? ठीक है ठीक है, तुम्हें भी कैसे सबक सिखाना है हमें अच्छे से पता है। देखो अब से तुम पंचायती का पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये हमारा निर्णय है, कहकर वहाँ से चले गया। अब निरंजन दुखी होकर उसका दोस्त मैकेनिक पाटिल के पास जाकर ये बात बताया। रे, तुम गांव का भला कर रहे हो, तुम पर कोई संकट आए तो हम पर भी आए वैसा होगा। वैसे तुम्हारे खेत में बोर है ना, फिकर मत करो, मैं एक उपाय निकालूंगा। अब बोर में पाइप डालकर एक ड्रम में पानी भरेंगे, फिर ड्रम से पानी को तुम ही खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगले दिन पाटिल अपने शेड में एक स्कूटर को मोटर से जोड़ दिया, फिर उसे निरंजन के खेत में ले जाकर वहां मौजूद बोर में पाइप डालकर उसे पूरी तरह सेट किया। इससे बोर में मौजूद पानी ड्रम में आना, फिर ड्रम में मौजूद पानी खेत तक जाने लगा। ये देखकर निरंजन बहुत खुश हुआ। रे, मैं यहीं पर एक फिक्स्ड मोटर लगा सकता था, लेकिन वो कमीने बिगाड़ सकते हैं, इसलिए स्कूटर वाटर पंप सेट किया। इससे तुम खुशी से मोटर चालू कर सकते हो, फिर ये स्कूटर को घर ले जा सकते हो। बहुत थैंक्स रे, मेरी बहुत मदद करे, कहकर वहीं रहकर खेत में पानी डाला। ऐसे कुछ दिन स्कूटर वाटर पंप से टाइम पर पानी डालते डालते अच्छा फसल उगाया। कुछ दिन बीतने के बाद हाथ में आए फसल को पाटिल की मदद से वो एक वैन में जब चढ़ा रहा था, तब वहां अमित हरीश अपने आदमियों के साथ आए। क्या रे निरंजन, लगता है हमसे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है, चुपचाप ये फसल हमें दे दो, वरना तुम्हें और उस पाटिल को छोड़ेंगे नहीं। रे तुम कौन हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम लोगों को पता भी है, आप लोगों को व्यापार चाहिए तो दूसरे किसानों से खरीद लो, क्यों हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हो, शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? तुम एक मैकेनिक हो और बीच में आकर बड़ी बातें कर रहे हो, रे पहले इसे मारो रे, तब दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। तो अमित हरीश और उनके आदमी पाटिल को मारने आगे बढ़े। वो देखकर निरंजन पाटिल दोनों उनके साथ लड़ाई करने आगे आए, फिर दोनों मिलकर एक एक को खूब मारे।
रे ये जो मार खाए हो वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े होकर ये पूरा नाटक करने वाले उस प्रेसिडेंट के लिए भी था। यूँ कह देना फिर कभी मेरे खेत के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम सबको खैर नहीं। इससे अमित हरीश और उनके आदमी वहां से भाग निकले।